खबर आई थी कि IRCTC पैसेंजरों के भारी भरकम डेटा को बेचकर पैसा कमाना चाहती है। IRCTC की योजना अपने साथ काम करने वाली सरकारी और निजी कंपनियों को इस डेटा बैंक की बिक्री करने की है, लेकिन इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड IRCTC ने उन मीडिया रिपोर्ट से इनकार कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि उसकी मुसाफिरों और दूसरे यूजर्स के डेटा को मोनेटाइज करने की योजना है। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तर। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि डेटा को बेचकर रेलवे का मकसद 1000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जुटाना था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में कुछ रिपोर्ट्स वायरल भी हुई हैं, लेकिन अब डिजिटल अधिकारियों की वकालत करने वालों से इसकी कड़ी आलोचना भी की गई है। IRCTC में एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से काल्पनिक है और कंपनी अपने डेटा को नहीं बेचती है और न ही उसकी ऐसे किसी काम को करने का मकसद है। ANI की रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। अधिकारी ने ये भी कहा है कि IRCTC अपने सिस्टम सर्वर पर अपने ग्राहकों का कोई फाइनेंशियल डेटा स्टोर नहीं करती है। उसकी अलग अलग सेवाओं के लिए ऑनलाइन भुगतान करते समय वो डेटा स्टोर नहीं करती है। अधिकारी ने बताया कि ऐसे में भुगतान के लिए नियंत्रण संबंधित पेमेंट गेटवे या बैंक को दे दिया जाता है। अब आपको बताते हैं रिपोर्ट्स में क्या कहा गया था। रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि कंपनी ने डेटा को बेचने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है, यानी अब IRCTC डेटा को मोनेटाइजेशन को लेकर काम करने वाली है। बता दें कि ये डेटा IRCTC की साइट पर मौजूद है और इस फैसले से यात्रियों में गुस्सा या फिर इसका विरोध की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की निजी जानकारी जैसे कि मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी मौजूद है। कोई भी यात्री अपनी निजी जानकारी एक भरोसे के साथ किसी भी साइट पर डालता है और अगर IRCTC इस भरोसे को तोड़ने का काम करती है तो इससे ग्राहकों का भरोसा टूट जाएगा। भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले अधिकतर यात्री IRCTC के जरिए भी अपनी रेलवे टिकट बुकिंग करवाते हैं, यानी कंपनी के पास जो डेटा बेस है वो बहुत ही बड़ा है। इसे इस आंकड़े से समझते हैं। IRCTC हर दिन 11.4 लाख टिकट बुक करती है। IRCTC के पोर्टल और ऐप पर 62 लाख लॉगिन हर दिन होते हैं। 2021-22 में IRCTC ने 42.75 करोड़ टिकट बुक किए थे। इसमें भी 46% लोग ऐप के जरिए टिकट बुक करते हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि डेटा में ट्रैवल पैटर्न, हिस्ट्री और लोकेशन से जुड़े डेटा को लेकर कंपनियां रुचि दिखा सकती हैं। हालांकि IRCTC ने डेटा बेचने की खबर से इनकार कर दिया है, लेकिन अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है तो ये ग्राहकों के लिए झटके की बात होगी क्योंकि उनका निजी डेटा हर किसी कंपनी के पास होगा और वो अपने फायदे के लिए अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिस्तक को सब्सक्राइब।